जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है सपने, और जानेंगे आज सपने में भगवान कृष्ण को देखना होता है इसका मतलब और कितना होता है शुभ। जानेंगे इसके पीछे का स्वप्न शास्त्र, तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखना। मित्रों, सपनों की व्याख्या, सपने में देवताओं की मूर्ति देखना शुभ संकेत माना गया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में भगवान कृष्ण को देखने के कई संकेत होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सपने में आपने भगवान कृष्ण को किस रूप में देखा है। आइए जानते हैं कि सपने में भगवान कृष्ण को देखना शुभ संकेत होता है या अशुभ। सपने में भगवान कृष्ण का दिखाई देना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में भगवान कृष्ण का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना गया है। इसका अर्थ होता है कि आपकी तमाम परेशानियां जल्दी दूर हो सकती है और आपका समय अच्छा हो सकता है। सपने में भगवान कृष्ण और राधा के साथ दिखाई देना, सपने में भगवान कृष्ण और राधा का साथ में दिखाई देना बहुत ही शुभ माना गया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आ सकती है और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर आप अविवाहित व्यक्ति यह सपना देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उसका जल्दी प्रेम विवाह हो सकता है। विवाहित व्यक्ति को सपने में भगवान कृष्ण और राधा को साथ में देखना सकारात्मक संकेत माना गया है। मान्यता है कि जल्दी आपको पारिवारिक विवाद और ग्रह क्लेश से मुक्ति मिल सकती है। वहीं अगर कारोबारी जातक यह सपना देखता है तो इसका संकेत होता है कि जल्दी धन लाभ होने वाला है। सपने में बाल गोपाल को भोजन कराते देखना, सपने में अगर आप बाल गोपाल को अपनी गोद में बिठाकर भोजन करा रहे हैं तो यह शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ होता है कि आप पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी हुई है, आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो सकती हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। गर्भवती महिला को सपने में बाल गोपाल दिखाई देना, सपने में गर्भवती महिला को बाल गोपाल दिखाई देना शुभ संकेत माना गया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है इस स्वप्न से। मित्रों, ये थे विशेष तरह की जानकारी सपने में भगवान कृष्ण का दिखाई देना और उसका अर्थ क्या होता है। अगर आप इसी तरह की और अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, जय श्री श्याम।